अरे कृष्णा, थैंक गॉड, थैंक कान्हा जी, आज मेरा बर्थडे और मेरी विश पूरी हो गई। थैंक अरे वाह, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ठाकुर जी, यू, आपको थैंक बहुत खुशियां यू, दें, थैंक बहुत यू मेरे खुशियां दें। कान्हा जी। मैं बहुत टाइम से आपको ट्राई कर रही थी, बहुत टाइम से आपको देख रही थी, बट हो ही नहीं पा रहा था, लाइव कभी भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। नहीं, मेरे घर में मेरे बेटे का बर्थडे हुआ, दोनों का, और हस्बैंड का बर्थडे था। हम तीनों बार वृंदावन में थे, और मेरे हस्बैंड का मन था कि आज भी वृंदावन जाने का, तो ओके। फिर मैं नहीं जा पाई आज, लेकिन आपसे मिलन हो गया, बांके बिहारी से मिलन हो गया, यूं लगा लो बस। नहीं, वो तो बहुत बहुत ठाकुर जी तो आपके बहुत, पास ही हैं हमेशा। आप वृंदावन जाएं हाँ ना जी जाएं, आपके मन में बिल्कुल ठाकुर जी, आपका मन वृंदावन होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू और सो ये मच। बड़ा शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज के एक चीज आपको सिखाता हूँ, आज के दिन सिखाता नहीं हूँ, बताता हूँ। सिखाने का तो मैं सिखा नहीं सकता, लेकिन बता सकता हूँ। जब भी कोई महत्वपूर्ण दिन आए, जैसे आज आपका जन्मदिन है, और जी कभी भी कोई आपको कुछ भी ब्लेसिंग्स दे, कुछ भी ब्लेसिंग्स दे, तो हमेशा मन में स्वीकार करना उसको। कोई आपको ये बोले कि आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, उसे स्वीकार करना। कोई आपको बोले कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, उसे स्वीकार करना। जितनी भी अच्छी चीजें आपके पास, जितने भी अच्छे अच्छी बातें, चाहे कोई झूठ कहे या सच कहे, आप स्वीकार्य भाव में रहना, आप स्वीकार करना, और आप देखना आपके जीवन की सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि वो ब्लेसिंग्स, कोई भले ही कोई कई बार क्या होता है कि ईश्वर जो है ना, आपके दुश्मन के मुख से भी आपको सलाह दे सकते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए हर एक की बात ध्यान से सुने और ये सोचें कि क्या मेरे लिए सही है, उसे स्वीकार करें। जो आपको लगता है कि आपके लिए बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उस पर भी उसको बिल्कुल ये ना कहें कि उससे बिल्कुल जवाब उसको देने की जरूरत नहीं है। उस पर विचार करें कि ये क्वेश्चन इसके दिमाग में आया क्यों, किस लिए बिल्कुल सही आया, बात किस लिए कह रहा है, है। क्योंकि अब ठाकुर जी क्या मुझे कहते हैं वो सुनो। हाँ आशीर्वाद बोलिए। मिल गया हाँ बांके बिहारी जी का। ना, बिल्कुल ये स्वीकार कीजिए। ईश्वर आपको खुश रखे जीवन के हर पल में। ठाकुर जी ये कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सबके भीतर निवास करता हूँ, सबके भीतर मैं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी व्यक्ति आपको जो अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, सबके भीतर कृष्ण ही है। तो आपकी जिस समय जिस मानसिकता से आप गुजर रहे होंगे, जिस महाभारत से आप गुजर रहे होंगे, उस समय आपको उस तरह के जवाब मिल रहे होंगे। तो उनके लिए हमेशा तैयार रहें और अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें, क्योंकि सुख ही सच है। इस धरती पर जी कोई भी आदमी दुखी नहीं है, पता है आपको? कोई भी आदमी दुखी नहीं है। आपकी वीडियो काटने के बाद, इसके बाद मैं बताऊंगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा सब सुनने वाले। हम कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति, जैसे आज जन्मदिन है, मैंने इस दिन को विशेष बना दिया, मैंने सोचा आज मेरा जन्मदिन है। जैसे आज आपका जन्मदिन है, तो आपने इस दिन को विशेष बना दिया, तो आप सुबह से अपने आप प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे, दिल से ठाकुर जी की आराधना की होगी, परिवार के साथ खुश रहे होंगे, परिवार ने भी आपको ना गुस्सा किया होगा, ना डांटा होगा, सबने प्यार दिया होगा, आपके काम भी आगे से आगे कर दिए होंगे। हमें रोज ये सोचना चाहिए कि हम सबका जन्मदिन है, क्योंकि रोज सूरज जन्मदिन आपके लिए नया उगता है। जी बिल्कुल, तो हम पूरे परिवार को सुख दें ये सोच करके कि आज आपका दिन है। हम हर आत्मा को सुख दें कि हर आत्मा का आज दिन है। तो जी रोज हम जन्म लेते हैं, रोज जन्म लेते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि आज जैसे परिवार ने आपको ट्रीट किया है, आप कल से रोज उनको ट्रीट कीजिए, वो आपको ऐसे ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे, और जी फिर सब बिल्कुल आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक बात कह रहे हो आप। जैसे बड़े बड़े दिन इंसान सोचता है कि आज मुझे किसी को परेशान नहीं करना, कुछ गलत काम नहीं करना, सबको खुश रखना है, आज मेरे मन से मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो। तो इसी तरह की हमें, मतलब हर रोज ऐसा सोचना चाहिए कि हमें कोई गलत काम नहीं करना। लेकिन गलती से, देखो इंसान है, कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती है आप इंसान रोज से। सुबह सोच के ये उठिए कि आज मेरा जन्मदिन है, बस। जी और फिर देखिए आप सारा काम अच्छे अच्छे करोगे, क्योंकि आप जन्मदिन वाले दिन कोई आपको लगता है कि नहीं, आज विशेष दिन है, आज मुझे कुछ गलत नहीं करना हाँ जी है ना। बिल्कुल, थैंक यू ईश्वर सो आपको खुश मच, रखे। आपने कोई लाइव सवाल में ज्वाइन आपका? किया। बस सवाल मेरा, काफी टाइम से ही सोच रही थी कि मैं ना जब छोटी थी ना, जी तो मेरे मुझसे ना मुझे ये लगता है कि मेरे से एक पाप हुआ। जी मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई, तो बांके बिहारी के दर्शन किए, स्कूल से गई, 3 दिन वहीं रहे हम लोगों ने दर्शन किए। जैसे मैं आई ना, तो 3 4 दिन के बाद ही मेरी मम्मी की मन किया कि मुझे, उनका प्लान बना कि वृंदावन जाना है। तो मम्मी बोले कि भाई ना, मैं ना तुझे नहीं लेके जाऊंगी,
दोनों तीनों बहन भाई जो छोटे हैं ना उनको ले जा, तू तो अभी होके आई है। तो मैंने बाकी बिहारी से बोला कि या तो मम्मा मुझे भी लेके जाए साथ, या तो इनका जाना ही कैंसिल कर दो। पत्नी मेरे मतलब बच्ची थी उस टाइम, मैं होंगी मतलब 10-12 साल की, 12 साल की लगभग। तो उनका जाना ही कैंसिल हो गया। जिनके साथ जाना था उनकी किसी रिलेटिव में कोई सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई, तो मम्मी का जाना नहीं हो पाया। तो उसके बाद मेरी मम्मा अपनी लाइफ में वृंदावन जा ही नहीं पाई। मतलब थोड़े टाइम बाद मम्मी बीमार हो गई, उनको कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई, तो वो नहीं जा पाई। और मेरे मन में अब तक मतलब यही टेंशन लगी रहती थी। मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ ना, मेरे को यही रहता था कि मेरे मन से पता नहीं क्या पाप कर्म हुए कि मैंने ये विश क्यों मांगी। था तो वो बचपना, लेकिन मन में ये था कि भगवान जी बस मतलब या तो मुझे भी बुलाओ और या फिर उनका भी कैंसिल कर दो। तो मेरे से ये जो पाप हुआ है ना, भगवान जी मुझे माफ करे बस। कोई पाप नहीं हुआ है आपसे, कोई भी पाप नहीं है ये। आपको लगता है कि आप किसी को वृंदावन जाने से रोक सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं रोक सकती, पर क्या पता क्या नहीं उस टाइम भगवान जी ने सुन ली। नहीं वो तो हमेशा ही सुनते हैं, वो आपके मन में ये प्रश्न डालना चाहते थे, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था। हम में से किसी की औकात नहीं है हम किसी को रोक दें ठाकुर से मिलने के लिए। उनकी क्या किस्मत में होता यही है था, वो कि नहीं हम मिल सब पाई। इंडिपेंडेंट आत्माएं हैं। अच्छा देखिए, मैं एक उसका विपरीत आंसर आपको देता हूं। आपकी इच्छा, आपने कहा कि मम्मी ना जा पाए, ठीक है ये लोग ना जा पाए क्योंकि मेरे को नहीं ले जा रहे, है ना। मेरे फादर जो हैं, मैं आप लोगों से जुड़ा हूं करीबन करीबन 1 साल से, दिसंबर में मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। और उस दिसंबर से पिछला 1 साल जो दिसंबर था, मतलब 2000, आज 23 चल रहा है, मुझे तारीखें ऐसी याद रहती हैं, 22 और 21, 21 दिसंबर मेरे फादर एक्सपायर हुए, दिसंबर में 2021 में 10 दिसंबर को, ठीक है। तो पापा एक्सपायर हुए, तो 2 साल तक मैं कोशिश करता रहा कि मैं एक बार जा करके ठाकुर जी से पापा को मिलवा दूं, क्योंकि मेरे पापा की ये अंतिम इच्छा थी, उनको भी कैंसर था। बट मैं ठाकुर जी के पास उनको नहीं ले जा पाया। अब मैं नहीं ले जा पाया, मैं तो चाहता था वो जाएं, कुछ भी करें। ठाकुर जी से मेरा झगड़ा हो गया, इतना ज्यादा झगड़ा हो गया। अब सोचो मेरे जीवन में इतने सालों से, काफी साल बीत गए, सबसे परम मित्र का जो स्थान है ना, जो जो मैं दुनिया में, ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में किसी से साझा ना करूं, और जितना हक मैं किसी पे ना जताऊं उतना मैं कृष्ण पे जताता हूं। तो कृष्ण से मैंने कहा कि आज के बाद मैं वृंदावन नहीं आऊंगा, अब तू, तुझे मिलना है तो तू आ जाना, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। ये मेरी जिद थी, मेरा हठ था, लेकिन वो हठ भी स्वीकार करते हैं क्योंकि वो प्यार इतना करते हैं, वो आए मिलने, ठीक है। लेकिन अब मैंने तो पूरी कोशिश की थी मेरे फादर को वहां ले जाने की, अब लेकिन मेरे फादर को, फादर के लिए कृष्ण, कृष्ण की इच्छा के बिना कौन जा सकता है। नहीं जा सकता। तो आप कभी मन में, मतलब मैं तो इतना बड़ा अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप दूसरों का नहीं। तो उस पापा के जाने के बाद 1 साल तक मैं बिल्कुल एक किस्म से मौन अवस्था थी, मैंने काम छोड़ दिया था, मैं एक्टर हूं, काफी दिनों से मैंने काम नहीं किया, उस समय 6-7 महीने मैं काम छोड़ दिया सब माइंड, क्योंकि अभिनेता जो होता है ना वो हमेशा अपना, उसका दिल और मन शांत रहना चाहिए, बहुत डिवाइन होती है कोई भी आर्ट जो है ना, बड़ी दिव्य शक्ति होती है, चाहे किरदार कोई भी हो, बिना ईश्वर की कृपा से कोई आर्टिस्ट नहीं बनता। तो वो भी मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो मन से जब परफॉर्म नहीं होता तो मैं अभिनय नहीं करता, तो मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद 6 महीने और बीत गए, एक वीडियो मैंने बोली थी पापा के रहते रहते, और वो वीडियो वायरल हो गई, करीबन करीबन 6 मिलियन लोगों ने देख लिया उसको, जो कि मैंने डाली भी नहीं, डाली भी मेरे छोटे भाई ने, और मैं आप लोगों से कनेक्टेड हो गया। उस एक वीडियो ने इतने मैसेज मेरे उस पे कर दिए, फेसबुक पे, इनबॉक्स पे, इतने मैसेज मुझे कर दिए, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से कनेक्ट हो गया। धीरे धीरे लोगों के ऐसे मैसेज आने लगे मुझे कि सर मैं तो सुसाइड कर रहा था, लेकिन आपकी वीडियो देख करके मेरा मन बदल गया।
सर मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी पर मैं आपकी, तो मुझे लगा कि नहीं ये साधारण बात नहीं है, ये बड़ी असाधारण बात है। यह असाधारण इसलिए क्योंकि कृष्ण अब किसी और कार्य के लिए मुझे चुन रहे हैं। तो मैंने बैठ के ठाकुर जी से बात की। अब ठाकुर जी ने मुझे इसलिए चुना कि नहीं तू जितना प्रेम करता है इतना लोग भी प्रेम करते हैं, मेरे पापा वृंदावन नहीं जा पाए लेकिन मैंने लाखों पापाओं को वृंदावन भेजा है। बिल्कुल, आपकी वीडियोस देखने के बाद मेरे मन में बहुत आया कि मैं बिल्कुल काफी टाइम से नहीं जा पा रही थी, कोविड के बाद से तो बिल्कुल नहीं जा पाई थी, और मेरे मन में सिर्फ यही था भगवान जी मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मैं पर मंथ हर महीने बांके बिहारी दर्शन करने आना चाहती हूँ। और मैं अब 1 साल हो गया मुझे, अक्टूबर में 12 महीने पूरे हो चुके, हर महीने बांके बिहारी जी बुलाते हैं और हम कहीं नहीं जाते। लोग कहते हैं आप परिक्रमा करने नहीं जाते, आपके नहीं, सिर्फ हम जाते हैं बांके बिहारी दर्शन करके, बांके बिहारी जी से मिलके, आपको भी जरूर याद करते हैं और उनके दर्शन करके जरूर आते हैं हर महीने। भगवान जी बस ऐसे कृपा अपनी बनाई रखे, आप पर बस कृपा है तभी आप जा पा रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, वो हर एक पे नहीं होती। इस मैंने तो इतना बड़ा एग्जांपल आपको दिया, कोई बात नहीं, आप पर कृपा है ईश्वर की, आप उनका नाम ले पा रहे हैं। बहुत बार बैठ करके सोचा है मैंने इस विषय पे, मैं कोई संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, कोई योगी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं जो अपने आप को सोचता हूं ना, मैं वही सोचता हूं कि मैं कृष्ण का सबसे प्यारा हूं और कृष्ण मेरे सबसे प्यारे हैं। बिल्कुल, तो मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूं। और मैं, मेरे को ठाकुर जी ने, ठाकुर जी का ये संदेश है मेरे लिए कि भाई मेरे परिवार में मैं अपने फादर को नहीं भेज पाया, लेकिन आप भले ही आप वृंदावन जाओ ना जाओ, वृंदावन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कृष्ण का होना, और कृष्ण जहाँ है वही वृंदावन है, जहाँ है बिल्कुल कृष्ण आपके मन, अपने मन, तो वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरी कोशिश है कि हर एक का मन वृंदावन हो, कभी कोई ना हारे, कभी कोई पछताए ना, किसी को किसी चीज का मलाल ना रहे, कोई इसलिए दुखी ना हो कि मैं लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पाता, कोई इसलिए दुखी ना हो कि मैं पूजा नहीं कर पाता, कोई दुखी ना। आप देखना जितने मेरे वीडियो सुनोगे ना, मैं सारे नियम तोड़ने की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा, सब बात करते हैं कि नहीं ये पद्धति है, ये पद्धति है, कोई पद्धति नहीं है, भगवान और आपके बीच में कुछ है ही नहीं, उनकी मर्जी के बिना तो होता ही नहीं है। जब पता है कि हम सोचते हैं ना हमें आज ये काम नहीं करना, अगर उन्होंने करवाना है ना तो उन्होंने करवाना है, नहीं सकता उसके उसके बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, उसकी इच्छा के बिना तो कौन, हम कौन है, तो बिल्कुल हम कौन है। तो आप उनका नाम ले पा रहे हैं, आप हर बार वृंदावन जा पा रहे हैं, और आप आज नहीं गए हैं तो आप देखो कृष्ण चर्चा हो रही है आपसे, इससे बड़ा वृंदावन क्या होगा। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ एक बार मेरे को मतलब ठीक नहीं थी मैं, और मुझे उस दिन भोग नहीं लगाना था भगवान जी को, बट पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा कुछ कि मैं दूध लेने जा रही हूँ, मैंने दूध चढ़ाया उसमें चावल डल गए, खीर बन गई, और मैंने जाके भगवान जी को भोग भी लगा दिया, और बाद में मैं कह रही हूँ हाँ मुझे तो भोग लगाना ही नहीं था, और उन्होंने अपने आप करवा दिया, सब अपने आप करवा। आप यकीन मानोगे मैं भी कुछ नहीं होता, मैं अभी की मिस्टेक बताता हूं आपको, इसके बाद मैं किसी दूसरे को लेता हूं। मेरे ठाकुर जी हैं मेरे पास, और मैं हमेशा जब भी लाइव आता हूं ना तो पहले ठाकुर जी को बोल के आता हूं, और ठाकुर जी को यही बोलता हूं कि ठाकुर जी जितने लोग मुझसे बात करेंगे ना, वो मुझसे नहीं, वो आपसे बात करेंगे, उनके सवाल आपसे हैं, तो मेरे पास तो कोई जवाब है ही नहीं किसी चीज का, जो जवाब है आपके जवाब है, जो बात करेंगे आपसे करेंगे, जो प्रश्न है उत्तर है सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बैठूंगा, तो आप जिसकी जो समस्या हो ना उसकी वो समस्या हल कर देना। और ये मैंने महसूस किया बहुत बार, तो हुआ क्या, मैं ठाकुर जी से ये बात करके लाइव आया, उसके बाद फिर लाइव में किसी से कनेक्ट नहीं हो पाया, मैंने अभी 15 मिनट लाइव रहा और मैं किसी से कनेक्ट, मैंने पूरी कोशिश की, नेटवर्क भी ऐसा ही था, सब कुछ ठीक था, बट मैं कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने सबसे कहा कि मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं दोबारा आता हूँ। तो मैंने 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट किया सबको, और मैं लाइव से फिर चला गया, और मैं फिर ठाकुर जी के पास गया कि प्रभु क्या इच्छा है, नहीं बात करनी, क्या चाह रहे हैं। तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, और फिर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला, फिर दोबारा लाइव हुआ और आपसे कनेक्ट हो गया। देखो भगवान जी की मर्जी है ये भी। तो आप समझ रहे हैं, बिना उनकी आज्ञा के तो मेरी भी औकात नहीं है मैं आपसे बात कर पाऊं।
एक बार रही, सेकंड टाइम आप कनेक्ट हुए तब जाके सबसे बात हुई है। देखो जी, तो आप थैंक यू बिल्कुल सो निश्चिंत रहें, मच। ठाकुर जी की बहुत कृपा है आप पे, तभी नाम हाँ ले पा रहे जी, हैं। तभी ठीक है, आज आपसे बात हुई है, नहीं तो नहीं हो पाती। अपना ख्याल आप रखिए सोनीपत से? आप जी। आप सोनीपत कहाँ? से? हाँ मैं हाँ आप कहाँ भी से बोल रहे हैं? सोनीपत अच्छा, से। ओके, हाँ जी दिवाली पे मैं जी आऊंगा हाँ जी। सोनीपत। अच्छा, सोनीपत कौन कौन सी जगह से? सोनीपत में मेरे दो तीन घर हैं, मतलब मेरा पर्सनल सेक्टर में भी है और मंडी में भी है, तो मैं आऊंगा जब सोनीपत, तो मैं एक पोस्ट डालूंगा कि मैं काफी एक मीटिंग रखूंगा लोगों के लिए वहां पे। थैंक यू ठीक है, जी, ख्याल थैंक यू। रखिए। हरे जय कृष्ण, श्री राधे, हरे राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। राधे राधे।